हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू ड्रीम व्हील्स इंडिया। तो आज की ये जो वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद 101% आपका ये डाउट तो क्लियर हो जाएगा कि आपको 2022 के अंदर कौन सी कार लेनी चाहिए या कौन सी कैटेगरी ऑफ कार लेनी चाहिए। तो मैं सब कॉम्पैक्ट या कॉम्पैक्ट SUVs की बात करने वाला हूँ और इनको मैं कंपेयर करने वाला हूँ सेडान से, क्योंकि आप लोगों ने देखा है कि आज के टाइम में सब कॉम्पैक्ट SUVs इंडियन मार्केट के अंदर बहुत ही ज़्यादा इनकी जो सेल्स है वो बहुत ज़्यादा मैक्सिमाइज हो गई है। सब कॉम्पैक्ट SUVs की अगर मैं बात करूं तो सब कॉम्पैक्ट SUVs में आपकी फोर्ड इकोस्पोर्ट, टाटा निक्सॉन, वेन्यू, किया सोनेट, विटारा, ब्रीजा, हॉट सेलिंग प्रोडक्ट मैग्नाइट भी आ जाती है। तो ये सब आपके जो हैं एक सब कॉम्पैक्ट SUVs हैं और इनका जो प्राइस सेगमेंट है आज के टाइम में ये जो क्लैश कर रहा है, ये जो बीट कर रहा है वो सेडान्स के प्राइस सेगमेंट को बीट कर रहा है। अगर मैं सेडान्स की बात करूँ, आपकी होंडा सिटी हो गई, मारुति सुजुकी सियाज, आपकी ह्यूंडई वर्ना हो गई, फॉक्सवैगन वेंटो हो गई, स्कोडा रैपिड हो गई, तो इनकी जो प्राइसेस हैं 10-14 लाख के बीच में। तो आज के टाइम में कॉम्पैक्ट SUVs के प्राइसेस भी इन कार्स के प्राइस के बीच में आ चुके हैं, तो जिसकी वजह से ये जो इंडियन बायर है ना, ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो चुका है और मार्केट में उसने देख लिया है कि कॉम्पैक्ट SUVs बहुत ज़्यादा बिक रही हैं। उसने गाड़ी ली है क्योंकि उसकी ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ज़्यादा है, उसने गाड़ी ली है क्योंकि उसकी गाड़ी ऊँची गाड़ी है, और इसकी वजह से ये जो आज इंडियन बायर है वो एक कम्फर्ट, बूट स्पेस, स्पेस, लग्जरी, इन सारी चीज़ों को खो रहा है आज के टाइम में जो आपको सेडान्स देती है। मैं पर्टिकुलर इस वीडियो के अंदर सेडान्स के ऊपर स्ट्रेस नहीं डालना चाहूँगा कि आपको सेडान्स ही लेना चाहिए, लेकिन मैं आपको एक डिफरेंस बताने वाला हूँ कि वाई सेडान्स आर बेटर देन दी कॉम्पैक्ट SUVs, किन किन सेगमेंट में सेडान्स बेटर हैं। तो आज हम 5 फैक्टर्स की बात करने वाले हैं। तो सबसे फर्स्ट फैक्टर जो आपका है वो आता है स्पेस। अगर मैं स्पेस की बात करूँ तो आपको कॉम्पैक्ट SUVs के अंदर उतना स्पेस देखने को नहीं मिलेगा जितना आपको सेडान के अंदर देखने को मिलेगा। कॉम्पैक्ट SUVs थोड़ी सी टॉल है, जिसकी वजह से जो आपका हेडरूम है वो तो कॉम्पैक्ट SUVs में बहुत ज़्यादा सफिशिएंट देखने को मिलेगा, बट व्हेन इट कम्स टू द लेग रूम, व्हेन इट कम्स टू द अंडर थाई सपोर्ट, व्हेन इट कम्स टू द नी रूम, तो उसमें सेडान्स के अंदर आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ द व्हील बेस। अब ये व्हील बेस क्या होता है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आपको एक फोटोग्राफ दिख रही होगी। एक कार के फ्रंट और रियर एक्सल के बीच के डिफरेंस को हम व्हील बेस कहते हैं, या अगर मैं सीधी सी बात करूं, जो कार के फ्रंट टायर्स हैं और जो आपके रियर टायर्स हैं, इन दोनों के बीच का जो गैप है उस डिफरेंस को हम लोग कहते हैं व्हील बेस। तो जो सेडान्स का जो व्हील बेस होता है वो कंपैरेटिवली कॉम्पैक्ट SUV से ज़्यादा होता है। तो जब व्हील बेस ज़्यादा होता है तो हमारी जो कैबिन स्पेस है या जो रियर और फ्रंट रोज के बीच का जो स्पेस है वो कॉम्पैक्ट SUVs के अंदर तो कम होता है, लेकिन सेडान्स के अंदर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो आपका लेग स्पेस है या आपका जो नी रूम है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है और आपको एक कंफर्टेबल राइड देता है जो कॉम्पैक्ट SUVs के अंदर मिसिंग है। तो ये सबसे पहला फैक्टर है जो कॉम्पैक्ट SUVs के अंदर मिसिंग देखने को मिला है। अगर मैं कॉम्पैक्ट SUVs की बात करूँ, मैं निक्सॉन की बात करूं, मैग्नाइट की बात करूं, किया सोनेट की बात करूं, वेन्यू की बात करूं, तो इसके अंदर जो आपको व्हील बेस देखने को मिलेगा वो आपको 2500 mm का व्हील बेस देखने को मिलेगा। वहीं अगर मैं सेडान्स की बात करूं तो सेडान्स के अंदर आपको मिनिमम 2600 mm का व्हील बेस देखने को मिलेगा और कुछ सेडान्स में तो इससे भी ज़्यादा व्हील बेस है। तो जिसकी वजह से जो सेडान्स की जो राइड है वो काफ़ी ज़्यादा कंफर्ट है, सिर्फ फ्रंट पैसेंजर के लिए नहीं या सिर्फ फ्रंट ड्राइवर के लिए नहीं, आपके रियर पैसेंजर के लिए भी। और अगर आप एक फैमिली के साथ ट्रेवल करते हैं लॉन्ग डिस्टेंस पे, तो जो सेडान के अंदर आपको कंफर्ट देखने को मिलेगा वो आपको सब कॉम्पैक्ट SUVs में देखने को नहीं मिलेगा। पहला फैक्टर। दूसरे फैक्टर की अगर मैं बात करूँ, ग्राउंड क्लियरेंस। आज के टाइम में हर किसी की जुबान पर एक ही चीज़ है कि गाड़ी ऊँची होनी चाहिए, मुझे एक ऊंची गाड़ी लेनी है, जिसकी वजह से वो क्रेटा, सेल्टॉस, निक्सॉन, ब्रीजा, सोनेट, वेन्यू, इन सब के पीछे दौड़ रहे हैं और एक लाइन लगी हुई है इन सब गाड़ियों। तो ग्राउंड क्लियरेंस की एक बात करता हूँ, आपको सबको शायद पता हो या नहीं भी पता हो, अगर मैं होंडा सिटी एक सेडान जो है इसकी मैं बात करूँ तो इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस आपको 165 mm देखने को मिलेगा, ठीक है। आपको वर्ना का ग्राउंड क्लियरेंस, ऑलमोस्ट सारी सेडान्स का ग्राउंड क्लियरेंस 165-170 mm देखने को मिलता है। अगर मैं कॉम्पैक्ट SUVs की बात करूं, जो आज के टाइम में बहुत ज़्यादा फेमस हो गई हैं, लोगों को ये नहीं पता है कि ग्राउंड क्लियरेंस कितना होता है, बस इतना पता है फिगर्स, भाई सोनेट के अंदर सबसे ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस है 205 mm, मैग्नाइट के अंदर सबसे ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस है 205 mm, भाई ब्रीजा के अंदर सबसे ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस है 200 mm। भाई ये ग्राउंड क्लियरेंस का जो डिफरेंस है आज मैं आपको इस वीडियो में सबसे पहले बताना चाहूँगा।
अगर मैं होंडा सिटी की बात करूँ 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस, हैचबैक की बात करूँ जैसे स्विफ्ट उठा लिया मैंने 170 mm का ग्राउंड क्लियरेंस, अगर मैं 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस और 200 mm के ग्राउंड क्लियरेंस के डिफरेंस की बात करूँ तो आपको 35 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलेगा। वहीं अगर मैं क्रेटा की बात करूं जिसका ग्राउंड क्लियरेंस 190 mm आता है तो उसके बीच का डिफरेंस और सेडान के बीच का डिफरेंस सिर्फ 25 mm रह जाएगा। ये मेरे हाथ में एक बुक है, मैं अगर पेजेस की बात करूं तो इसमें 239 या 240 पेजेस हैं, आप इसकी थिकनेस को वीडियो में देख पा रहे होंगे। ये जो बुक है, ये बुक इसकी जो थिकनेस है ये 2 cm है विच इज़ इक्वल्स टू 20 mm। तो आप देख पा रहे हैं ये आपका 20 mm है, इसमें मैं थोड़ा सा अगर और इंक्रीज़ कर दूं तो शायद ये 30 mm बन जाएगा। तो इतना 30 mm ग्राउंड क्लियरेंस सिर्फ इतना सा अगर मैं होंडा सिटी में ऐड कर दूं तो वो निक्सॉन, ब्रीजा, वेन्यू, सोनेट इनके ग्राउंड क्लियरेंस के इक्वल हो जाएगा। और जो आप कहते हैं ना गाड़ी बहुत ऊँची है, ऊँची गाड़ी, क्या इतने ग्राउंड क्लियरेंस से गाड़ी इतनी ज़्यादा ऊँची हो जाती है? शायद, मुझे तो इस बारे में नहीं पता, हो सकता है मे भी हो जाती हो, और आप भी जाके एक बार कंपनी या शोरूम में जाके पता करेगा। खैर, ये ग्राउंड क्लियरेंस इतनी ही ऊंची आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। ये जो ग्राउंड क्लियरेंस कहते हैं बहुत ऊंची है, ये बहुत कोई वर्ड नहीं होता, हम उसको mm में बहुत इजीली डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि लोग कहते हैं कि जिनका घर जो थोड़ा गाँव में है या पॉटहोल्स यहाँ पर ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा रोड्स बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, वहाँ पे उनकी जो कॉम्पैक्ट SUVs हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करती हैं इस कंपेयर टू दी सेडान्स बिकॉज ऑफ अ हाई ग्राउंड क्लियरेंस। तो मेरे दोस्तों, मेरे व्यूअर्स, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी आज के टाइम में रोड्स पे इतना ज़्यादा काम कर रही है, और मैं इतना ज़्यादा ट्रेवल करता हूँ, इतनी ज़्यादा हिल स्टेशन पे गया हूँ, आज के टाइम में आपको ऑलमोस्ट एवरीवेयर एक अच्छी रोड्स देखने को मिलेंगी। अगर थोड़ा सा भी ऊबड़ खाबड़ रास्ता मिलता भी है तो वो भी आपको बहुत ज़रा सा देखने को मिलता है, तो उस ऊबड़ खाबड़ रास्ते में भी अगर आप अपनी सेडान को बहुत आराम से निकालें कम स्पीड में, शायद ही आपको कोई दिक्कत होगी, मतलब हो ही नहीं सकती है, वी कैन से दैट। अगर आप ऊपर एक रिसेंटली वीडियो देख रहे होंगे, ये वीडियो लद्दाख की है, और लद्दाख के अंदर लोग अपनी सेडान को लेके गए हैं, वर्ना को लेके गए हैं, तो लद्दाख जो मैं मानता हूँ कि लद्दाख को आप हर साल तो विजिट नहीं करेंगे ना, आप शायद लाइफ टाइम में अपने एक बार या मे बी दो बार चले जाएंगे, तो उसके लिए आप एक कॉम्पैक्ट SUV के ऊपर जाएंगे। सबसे पहली चीज़ तो ये डेफिनेशन ही गलत है। अगर मैं SUVs की बात करूँ तो टाटा हैरियर आता है SUV जिसे कहते हैं, फॉर्च्यूनर, इंडेवियर, XUV 700, XUV 500, इन्हें हम कहते हैं SUVs। इनका ग्राउंड क्लियरेंस भी ज़्यादा होता है, इनका व्हील बेस भी ज़्यादा होता है, और इनका सस्पेंशन भी काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होता है, जिसकी वजह से इन कार्स के अंदर बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती, और मैं इनको रियल SUVs कहता हूँ। बट ये जो सो कॉल्ड क्रेटा, सेल्टॉस, सोनेट, निक्सॉन, वेन्यू, ये जो भीड़ लगा रखी है, दे आर नॉट द प्रॉपर SUVs माई डियर। ये इंडिया के अंदर एक हाइप क्रिएट हो चुका है, हर कोई बस यही देख रहा है कि हमें ऊंची गाड़ी चाहिए। आज के टाइम में ऊंची गाड़ी एक स्टेटस सिंबल बन चुका है, जिसकी वजह से जो आधे से ज़्यादा भीड़ है वो उसी चीज़ के पीछे भाग रही है। तो देयर इज एज सच नो बिग डिफरेंस। थर्ड फैक्टर की बात करते हैं, दी बूट स्पेस। आपको सेडान्स के अंदर, शायद ही कोई सेडान होगी जिसके अंदर आपको 450 लीटर से कम का बूट स्पेस मिलेगा, ज़्यादातर सारी सेडान्स के अंदर आपको 500 लीटर का बूट स्पेस देखने को मिलता है। पर कॉम्पैक्ट SUV पर्टिकुलर बात करूँ, क्रेटा को थोड़ा सा हटा दूँ, तो जितनी भी छोटी कॉम्पैक्ट SUVs हैं, सबसे ज़्यादा जो बूट स्पेस है वो सोनेट के अंदर है, 392 लीटर समवेयर अराउंड, और बाकी कॉम्पैक्ट SUVs में तो आपको 320, 350, कुछ में तो 300 से भी कम है, अगर मैं XUV 300 की बात करूँ। आपको जो बूट स्पेस है वो भी सेडान्स के अंदर ज़्यादा देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से आप लॉन्ग राइड पे अपना अच्छा खासा लगेज को कैरी कर सकते हो। नॉट ओनली द बूट स्पेस, आपकी जो लोडिंग लिप होती है जब आप अपने लगेज को के बूट के अंदर रखते हैं, तो जो लोडिंग लिप है वो काफ़ी नीचे होती है, जिसके वजह से आप आराम से अपने लगेज को निकाल भी सकते हैं और इंसर्ट भी कर सकते हैं। लेकिन कॉम्पैक्ट SUVs के अंदर जो आपका लोडिंग लिप है वो काफ़ी हाई देखने को मिलती है, जिसकी वजह से थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है। तो आपको बूट स्पेस में भी सेडान्स आर बेटर देन द कॉम्पैक्ट SUVs। फ्यूल एफिशिएंसी, अगर मैं सेडान्स की बात करूँ, सेडान्स का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है रोड से वो काफ़ी ज़्यादा कम होता है, जिसकी वजह से ये जो आंस की जो कॉर्नरिंग होती है वो कॉम्पैक्ट SUV से काफ़ी ज़्यादा बेटर होती है बिकॉज ऑफ द लो ग्राउंड क्लियरेंस, जिसकी वजह से जो फ्यूल एफिशिएंसी होती है वो भी सेडान्स की बेटर देखने को मिलती है आपकी कॉम्पैक्ट SUVs के कंपैरिजन में। कॉम्पैक्ट SUVs को करा क्या जाता है, इनका जो प्लेटफॉर्म है उसमें आपको जो बॉडी रोल ज़्यादा देखने को मिलता है, और ग्राउंड क्लियरेंस को बढ़ाने के लिए वो जो शॉकर्स होते हैं
उनको काफ़ी स्टिफ करा जाता है और जिसकी वजह से जो कॉम्पैक्ट एसयूवीज़ हैं वो थोड़ी उठी हुई लगती हैं। अगर मैं बात करूँ आपको शॉक एब्जॉर्बर की, या मैं अगर आपको बात करूं जो आपको अंदर नॉइस कैबिन के अंदर देखने को मिलती है पॉटहोल्स पे या ऑफ रोड के अंदर, तो सेडान के अंदर आपको कम महसूस होगा और आपको जो कॉम्पैक्ट एसयूवीज़ का सस्पेंशन देखने को मिलेगा वो काफ़ी ज़्यादा स्टिफ सस्पेंशन होता है एज़ कंपैरिजन टू द सेडान। आप किसी भी कॉम्पैक्ट एसयूवी ओनर से पूछ लेना कि आपको पॉटहोल्स पे या आपको ऑफ रोड पे सस्पेंशन कैसा देखने को मिलता है, वो खुद कह देगा आपको बहुत ज़्यादा स्टिफ देखने को मिलता है। तो फ्यूल एफिशिएंसी के मामले में भी सेडान्स हैज़ एन एज ओवर द कॉम्पैक्ट एसयूवीज़। अगर मैं बात करूं लग्जरियस की या दुनिया की सबसे महंगी कार की, तो आप सभी को पता है कि दुनिया की सबसे महंगी कारें और दुनिया की सबसे लग्जरियस कारें भी सेडान्स ही हैं, कोई एसयूवीज नहीं है। ठीक है, नंबर फिफ्थ चीज़ की अगर हम लोग बात करते हैं, आपको जो सेडान्स की परफॉर्मेंस है कॉम्पैक्ट एसयूवीज़ के मुकाबले में ज़्यादा अच्छी देखने को मिलेगी बिकॉज ऑफ लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी। जैसे कि मैंने आपको बताया व्हील बेस ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से जो आपका कमांड है, जो आपकी पोजिशन है, जो आपका स्टेयरिंग कंट्रोल है, वो काफ़ी रिलायबल, काफ़ी कॉन्फिडेंस फील करता है हाई स्पीड पर भी सेडान्स का एज़ कंपेरिजन टू दी कॉम्पैक्ट एसयूवीज़। तो आपका जो सेडान चलाने का मज़ा है ना हाईवे पे, आप चाहे हाई स्पीड्स पे चलाएं चाहे लो स्पीड्स पे, वो उसकी जो राइड है वो इतनी ज़्यादा प्लश राइड है, इतनी ज़्यादा लग्जरियस राइड है जो आपको कॉम्पैक्ट एसयूवी के अंदर देखने को नहीं मिलती। जो होंडा सिटी के अंदर जो बैक स्पेस है ना, जो नी रूम स्पेस है, जो लेग स्पेस है, वो इतना ज़्यादा कम्फर्टेबल है कि शायद ही कोई दिक्कत होती होगी आपको किसी भी लॉन्ग राइड्स पे। लेकिन कॉम्पैक्ट एसयूवी में जो आपकी पोजीशन होती है वो थोड़ी सी आपकी एक स्ट्रेट पोजीशन होती है, आपको अपनी जो बैक है आपको स्ट्रेट बैठना पड़ता है और आपको एक ऊपर ऊंचा फील होता है, जैसे आपको ये फील होता है कि आपको एक रोड की जो विजिबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा दिख रही है, ऊंचा फील होता है। मैं मानता हूँ ये थोड़ा सा ऊंचा फील होता है, लेकिन सेडान्स में भी ऐसा इतना कुछ नहीं है, वहाँ पे आपको एक कंफर्ट मिलता है, आप अपनी बैक को पीछे लाए कर लेते हो सीट के ऊपर, जिसकी वजह से जो आपको एक कंफर्ट महसूस होता है, आपको लॉन्ग राइड पे कोई भी थकावट महसूस नहीं होती, कोई थकान नहीं होती, वो सिर्फ आपको सेडान के अंदर देखने को मिलेगी। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं, ये कुछ ऐसे मिथ्स हैं जिसके पीछे इंडियन बायर मैं देख रहा हूँ कि वो इन चीज़ों की बात नहीं करता, उसके दिमाग में सिर्फ दो ही चीज़ें रह चुकी हैं इंडियन बायर के दिमाग में, क्या भाई मेरी गाड़ी कितना माइलेज देती है पहला, और मेरी गाड़ी मुझे ऊंची चाहिए। किसी से अगर मेरे पास इतनी क्वेरीज आती हैं कि सर कौन सी गाड़ी को खरीदना चाहिए, वी प्रोवाइड द कार कंसल्टेंसी सर्विसेज ऑल्सो, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है सर थोड़ा सा ऊंची गाड़ी चाहिए, हम थोड़ा ऊबड़ खाबड़ रास्ते में जाते हैं। भाई इतना ज़्यादा ऊबड़ खाबड़ रास्ता इंडिया में हर टाइम तो आपको देखने को नहीं मिलता ना, मेजॉरिटी टाइम आप अपने अंदर दिल से पूछना, आप 90% जब भी ट्रेवल करते हो या कहीं पे भी जाते हो आप प्लेन रोड्स पे जाते हो, 10-20% एक एक्सेप्शनल होता है जहाँ पे आप थोड़ा सा खराब रास्ते पे जाते हो, वहाँ पे अपनी अपनी स्पीड को स्लो कर लो, आप आराम से निकाल लो, क्या कोई दिक्कत होगी? मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी। और आने वाले टाइम में तो इंडिया की जो रोड्स हैं वो तो और ज़्यादा अच्छी होने वाली हैं, जिसकी वजह से शायद ही आपको किसी भी जगह पे ख़राब रोड्स देखने को मिलेंगी या बैड रोड्स देखने को मिलेंगी या पॉटहोल्स देखने को मिलेंगे जहाँ पे आपकी जो गाड़ी है वो फंस जाएगी या कुछ हो जाएगी। आई डोंट थिंक सो। मैं आपका ये फैक्टर क्लियर करना चाहता हूँ कि आप अपने नीड्स के पीछे देखें, आप लोगों के सोच के पीछे मत भागे, आप गाड़ियाँ रोड पे जो दिख रही हैं आप उस चीज़ के पीछे मत भागिए, आप अपना कंफर्ट जोन देखिए, आप देखिए आप एक फैमिली कार लेना चाह रहे हैं या आप एक इंडिविजुअल हैं तो आप प्रेफर कर सकते हैं सब कॉम्पैक्ट या कॉम्पैक्ट एसयूवी। अगर आपकी एक फैमिली है, आपके बच्चे हैं और आपकी फैमिली मदर फादर हैं जिनके साथ आप काफ़ी ज़्यादा ट्रेवल करते हो, तो आप डेफिनेटली सेडान को प्रेफर करो। और नो डाउट स्कॉडा ने जो अभी एक नई सेडान निकाली स्लाविया, नो डाउट इट बीट द ग्राउंड क्लियरेंस। अभी तक जो मैक्सिमम ग्राउंड क्लियरेंस था वो एक कोरोला ऑल्टिस थी, कोरोला ऑल्टिस इस समय नहीं आती, उसका 176 mm ग्राउंड क्लियरेंस था, और जो बाकी अभी सेडान्स मैंने आपको बताई 165-170 मैक्सिमम देखने को मिलेगा, लेकिन स्कॉडा स्लाविया दैट गिव्स यू द ग्राउंड क्लियरेंस ऑफ 179 mm। तो स्कॉडा का जो ग्राउंड क्लियरेंस है ये आपके आज के टाइम की कॉम्पैक्ट एसयूवीज़ को बीट करता है, आपको कंफर्ट दे रहा है, आपको पूरे सेगमेंट में अगर मैं सेडान्स की बात करूँ तो लॉन्गेस्ट व्हील बेस दे रहा है। इसका जो व्हील बेस है वो आपका सियाज, होंडा सिटी, ह्यूंडई वर्ना से भी ज़्यादा स्कॉडा स्लाविया का। तो आप स्कॉडा स्लाविया को चूज़ कर सकते हैं ओवर दी कॉम्पैक्ट एसयूवीज़। आपका जो प्राइस रेंज है वो इसी प्राइस रेंज में आएगा। हाँ, हालांकि आप अभी भी स्टिक हो, आपको एक कॉम्पैक्ट एसयूवी लेनी है तो आप क्रेटा और सेल्टॉस को ले सकते हैं, क्योंकि इनका जो बूट स्पेस है वो भी इन कॉम्पैक्ट एसयूवीज़ से ज़्यादा है, इनका जो व्हील बेस है वो भी इन कॉम्पैक्ट एसयूवीज़ से ज़्यादा है। लेकिन सस्पेंशन की बात करूँ, अगेन
क्रेटा एंड सिल्टोस आर नॉट द प्रॉपर SUVs, दे आर स्टिल द कॉम्पैक्ट SUVs, वी कैन से दैट। तो आप क्रेटा सिल्टोस को बिल्कुल ले सकते हैं, नो डाउट ले सकते हैं, लेकिन आप SUV ही लेना चाहते हैं तो थोड़ा सा बजट को इंक्रीज करिए, आप टाटा हैरियर के पास जाइए, आपके पास 5-स्टार रेटिंग देखने को मिलेगी, आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगा और आपको एक अच्छा सस्पेंशन मिलेगा विद द लार्जेस्ट व्हील बेस इन द SUVs। सबसे ज़्यादा व्हील बेस आपको हैरियर के अंदर देखने को मिल रहा है, आप हैरियर लीजिए। आप न्यू XUV 700 को प्रेफर करिए, नहीं तो आपके पास सेडान बहुत अच्छा ऑप्शन है, आप एक बार होंडा सिटी के अंदर जाइए, आपको उसके बेस वेरिएंट के अंदर ही आपको सारे फीचर्स देखने को मिलेंगे, ABS, EBD, हिल होल्ड कंट्रोल, ब्रेक असिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, ये दुनिया भर के सारे फीचर्स आपको कॉम्पैक्ट SUVs के अंदर तो देखने को मिलते ही हैं, ये आपको सेडान्स के अंदर भी देखने को मिलेंगे। तो आज की इस वीडियो में आपको सिर्फ मैं इतनी ही बात बताना चाहता था कि आज के टाइम में जब इंडियन बायर एक गाड़ी खरीदता है ना, तो बड़ी खुशी से खरीदता है और लोगों को बताता है कि, और लोगों को दिखाता है कि आज उसने एक गाड़ी खरीदी, उसके जो चेहरे पे खुशी होती है ना, पहली घर लेने के बाद और दूसरी जब वो गाड़ी लेता है, वो अलग ही खुशी होती है। और मैं नहीं चाहता, मैं अपने व्यूअर्स को एक थोड़ी सी ये चीज़ बताऊं कि बाद में वो कोई भी गाड़ी खरीदे तो उसमें रिग्रेट फील ना करे कि अगर वो किसी भी कॉम्पैक्ट SUV को खरीदता, बाद में एक सेडान चलाता है, कि मुझे थोड़ा सा सस्पेंशन स्टिफ लग रहा है, मुझे पॉटहोल्स फील होते हैं, मेरी फैमिली को इतना कम्फर्ट नहीं मिलता लॉन्ग राइड पर जितना एक आपको सेडान में देखने को मिलता है। तो एक बार कोई भी गाड़ी खरीदने से पहले आप शोरूम विजिट करें, आप प्रॉपर ट्रायल लें, और कोई जो ओनर हो जिनके पास सेडान हो, आप उनसे एक बार एडवाइस ज़रूर लें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो मोर इन्फॉर्मेटिव डू लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल ड्रीम व्हील्स इंडिया, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर करिए और बाकी लोगों को भी बताइए कि आप गाड़ी लेते समय बहुत ध्यान में रखें चीज़ों का, और आप खुद उनको एक्सप्लेन करें कि ये जो एक मिथ है हाई ग्राउंड क्लियरेंस और इन सारी चीज़ों का, तो आप उनको बता सकते हैं, आप उनकी हेल्प कर सकते हैं, एंड दैट्स ऑल वी नीडेड।